आज विधानसभा में मध्य प्रदेश का बजट पेश हुआ, तमाम तरह के अनाउंसमेंट किए गए और महिलाओं को लेकर बेसिक फोकस रहा, जैसा कि बाद में प्रेस ब्रीफ में मुख्यमंत्री ने बताया। अभी कमलनाथ ने काउंटर किया कि सिर्फ इलेक्शन पर्पज से किया गया, आप इस पूरे बजट को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो मध्य प्रदेश का बजट आया है, पहली चीज़ तो मैं आपको बताऊँ, जैसी उम्मीद थी ये बिल्कुल वैसा बजट। जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा निकली और जिस तरीके से उसका विरोध किया गया और वो ये दिखाई दे रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की निकास यात्रा बन जाएगी, तो डरी हुई सरकार जो बजट दे सकती थी वो बजट इन्होंने दिया। शिवराज सिंह चौहान की घोषणाएं हमेशा की तरह खोखली होती खोखली हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार का बजट पिछली बार 2,73,000 करोड़ था, जिसको बढ़ा के 3,14,000 करोड़ कर दिया गया और मध्य प्रदेश सरकार पे कर्जा है 3,29,000 करोड़। शायद ही कोई दुनिया में ऐसा बजट बनाती होगी सरकार जो अपने बजट से ज़्यादा जिस पे कर्ज। सबसे बड़ी बात है कि उस कर्ज से निपटने की कोई योजना नहीं है। 1,00,000 की जो रोज़गार की बात की गई, इसका रोड मैप क्या है, कैसे आप दोगे? आप जापान अमेरिका का नाम लिख देने से थोड़ी जापान अमेरिका आपको ले लेगा। आपके पास रोड मैप क्या है उस लोगों को नौकरी देने का? घरेलू गैस के रेट बढ़ा दिए गए जिस तरीके से अभी अभी शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी कि 1,000 रुपये महिलाओं को देंगे, तो अब ये 1,000 रुपये महिलाओं को देंगे तो दूसरे हाथ से वापस लेना, तो ये वापस लेने के तरीके हैं कि आपने घरेलू गैस महंगी कर दी। बजट कुल मिलाकर चुनाव को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, बेहद निराशजनक बजट है। महंगाई से लड़ने का कोई उपाय इस बजट में नहीं है और न कर्ज में डूबी हुई मध्य प्रदेश सरकार को कर्ज मुक्त करने की कोई योजना आई हुई है। मेरे ख्याल से ये बजट पूरा निराशजनक है। ओंकारेश्वर धाम की बात करते हैं, राम गमन पथ का क्या हुआ? राम गमन पथ किया जो प्रोजेक्ट था, जो कमलनाथ जी की सरकार ने लाया था, उसको क्यों छोड़ दिया गया? दूसरी चीज, किसानों की ऋण माफी से क्यों भाग रही है सरकार? 27,00,000 किसानों का 7,11,500 करोड़ रुपए माफ किया कमलनाथ जी ने। अब शेष 27,00,000 किसान बचे थे, 7,000 करोड़ का लोन था, उससे उसके बारे में क्या सोचा? किसानों को राहत देने की क्या कोशिश की गई? मूल्य खेती का बहुत बढ़ गया है और खेती की लागत बढ़ गई है, खेती की इनकम घट गई, इसके लिए क्या उपाय? कोई भी उपाय नहीं किया पूरा तरीके से, एक निराशजनक बजट। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी और जिस तरह से बजट रहा, आज आपके प्रदेश अध्यक्ष ने भी एलिगेशन लगाया कि सिर्फ इलेक्शन को ध्यान में रखते बस चीज़ें डिलीवर कर दी, इससे कितना सहमत है और क्या सिर्फ इलेक्शन पर फोकस है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या करना है उस पर कोई ऐसी प्रपोज बात नहीं है। देखिए, कुल मिलाकर जैसा इस बार केंद्र सरकार का बजट था जिसमें पूरा हाईलाइट केवल उन्होंने टैक्स पे करके बाकी सारे जवाबों से बच गए, उसी तरीके से मध्य प्रदेश का ये बजट है, चुनावी बजट है। ना तो इसमें कोई विकास का और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का रोड मैप दिखाई दे रहा है, ना युवाओं को रोजगार दिखाने का हो रहा है और ना ही महंगाई से निजात पाने का कोई तरीका होता है। कांग्रेस ने भी एक अनाउंसमेंट किया है, कमलनाथ ने भी आज कहा कि 1,500 रुपये महीने महिलाओं को देंगे, इसमें ये कैटेगराइज नहीं करेंगे कि लाडली लक्ष्मी, जो जो बीजेपी ने किया था उन्होंने कहा ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, लेकिन 1,500 रुपये फिक्स हम हमारी सरकार बनने के बाद देंगे। यहाँ तो बीजेपी निकाल रही है जो भी महंगाई। देखिए, कमलनाथ जी और शिवराज सिंह चौहान जी की बात को बहुत करता है, कमलनाथ जो बोलते हैं वो कमलनाथ करते हैं। कमलनाथ ने किसानों की कर्ज माफी की बात की, उन्होंने किसानों की कर्ज माफी की। शिवराज सिंह चौहान तो राह चलते घोषणा करते हैं, उनको तो आप पूरे टाइम को अपने को खुद ही कहते हैं कि घोषणा की मशीन है, वो मशीन है, वो अपनी डिलीवरी देती रहती, घोषणा पूरी हो रही है कि नहीं हो रही इसकी चिंता उन्होंने कभी की नहीं। चौहान सर और हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा की तरह घोषणा करते रहते हैं, उनकी घोषणा से कोई अंतर नहीं करता। विंध्य एक्सप्रेस वे का भी जिक्र है बजट, इसको भी आगे देखिए। विंध्य एक्सप्रेस वे कैसा बन रहा है? जो एक्सप्रेस वे बने हुए हैं उन्हीं को आपस में जोड़ देना है और विंध्य एक्सप्रेस वे बनना है कि नया एक्सप्रेस वे बनना है? अरे, आप रीवा से सिंगरौली मार्ग तो वैसे ही बना हुआ है, बन रहा है ऑलरेडी, और किस तरीके से बन रहा है वो सब जानते हैं कि सीधी से बहरी तक की सड़क
सीधी से बहरी होकर सिंगरौली तक की सड़क पिछले 10 साल से बन रही थी और पता नहीं आगे कितने साल बनती। तो इसी तरीके से उनका विंध्य एक्सप्रेस वे है कि जो एग्जिस्टिंग रोड्स हैं उन्हीं को जोड़ देंगे,